अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी के साथ आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बस एक दो ऐप है उसको डाउनलोड करना है आप लोगों ने, और उसकी मदद से आप अपने पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। यहाँ पर एक दो ऐप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपने वो डाउनलोड कर देना है। आपने ऊपर सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर आपने लिख देना है बैकग्राउंड इरेसर। बैकग्राउंड इरेसर ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक ऐप आ जाएगा ऊपर, आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। इसका इंस्टॉल करने के बाद आपने एक दूसरा ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है जिसका नाम है पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप सर्च करने के बाद ये ऐप आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, ऊपर आप देख सकते हो ये ऐप आ जाएगा आपके सामने, इसको भी आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपने बैक आना है। बैक आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने बैकग्राउंड इरेसर इस ऐप को आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लोड अ फोटो, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना पिक्चर, जो पिक्चर आप एडिट करना चाहते हैं वो पिक्चर यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है गैलरी से। यहाँ से मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से ऊपर आपको डन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको किस तरह बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। आपने सबसे पहले दो उंगली स्क्रीन को ऊपर रख देना है और इसको जूम कर देना है। जूम करना है यहाँ से, और यहाँ पर मैनुअल साइज़ इसको आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको बढ़ा देना है और यहाँ से इसको रिमूव करना आपने स्टार्ट कर देना है इसका जो बैकग्राउंड है। यहाँ से मैं जल्दी से इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने पिक्चर जो है उसका बैकग्राउंड यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इस तरह बैकग्राउंड ख़त्म कर देना है। अगर आपके हाथों से गलती से यहाँ से कुछ भी लग जाए और ये रिमूव हो जाए, इसको आप वापस किस तरह ला सकते हैं, यहाँ पे ये आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना है। दूसरी बार क्लिक करोगे ये ख़त्म हो जाएगा, अपने जिस तरह होगा उसी तरह आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका बैकग्राउंड ख़त्म करने के बाद आपने ऊपर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ये आपके यहाँ पे फिनिश पर क्लिक करके ये आपकी गैलरी में चला जाएगा ये पिक्चर। गैलरी में जाने के बाद आपने अभी ये दूसरा ऐप जो आप लोगों ने डाउनलोड किया था पिक्सल ऐप का, इस ऐप को आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से बैकग्राउंड जो आप लगाना चाहते हो, अगर आप बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने गूगल में सर्च कर देना है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है।
यहाँ पर सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत से बैकग्राउंड आ चुके हैं। यहाँ से आपने किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ से डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपने पिक्सल ऐप को ओपन कर देना है। फिर से पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद जो पिक्चर आपने यहाँ पे सेव की होगी उसको आपने सेलेक्ट कर देना है, जिसका बैकग्राउंड आपने ख़त्म किया है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सॉरी, इससे पहले हम अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इम्पोर्ट यहाँ पर जो बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया हुआ है बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, और यहाँ से टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया। अभी आपने यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर इस पर क्लिक कर देना है और टिक्स पर क्लिक कर देना है। अभी आपने पेज से तीसरे नंबर पर आना है और यहाँ पे इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद जिस इमेज का आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है उस इमेज को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, और टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देना है, बड़ा कर देना है। यहाँ पर मैं इसको बराबर करके रख देता हूँ, और यहाँ पर आप मेरा पिक्चर दे सकते हैं। इस तरह आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपने फिर से तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बिल्कुल ईजी काम है, आप आसानी के साथ इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।